नमस्कार, स्पोर्ट्स की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। आईपीएल के 13वें सीजन का 38वां मैच किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से दुबई में खेला जाएगा। रविवार को आईपीएल के इतिहास का इकलौता डबल सुपर ओवर जीत कर आ रही पंजाब की टीम दिल्ली के खिलाफ जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में अपनी उम्मीद कायम रखना चाहेगी। वहीं दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर इस मैच को जीत कर प्लेऑफ में जगह पक्की करना चाहेंगे। दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग आईपीएल युवा खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, दीपक चाहर, नवदीप सैनी, कृणाल पांड्या जैसे खिलाड़ियों ने आईपीएल में दम दिखाकर टीम इंडिया में जगह बनाई है। इस बार देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल और राहुल तेवतिया जैसे यंग प्लेयर्स कमाल दिखा रहे हैं। शुभमन टीम इंडिया के लिए 2 वनडे खेल चुके हैं, जबकि पडिक्कल और तेवतिया ने दावेदारी पेश की है। दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग चैंपियंस लीग का 2020-21 सीजन मंगलवार से शुरू हो जाएगा। ये टीमों के संख्या के लिहाज से तो सबसे बड़ी लीग है ही, मार्केट वैल्यू के लिहाज से भी सबसे बड़ी है। इसकी मार्केट वैल्यू 1,16,855 करोड़ रुपए है। 32 टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी। नया यूरोपियन चैंपियन 2022 दिन यानी अगले साल 29 मई को इस्तांबुल में मिलेगा। इस दौरान 125 मुकाबले खेले जाएंगे। टीमों को 8 ग्रुप में बांटा गया है। डिफेंडिंग चैंपियंस बायर्न म्यूनिख पहले मुकाबले में बुधवार को एटलेटिको मैड्रिड से भिड़ेंगी। भारतीय घरेलू क्रिकेट का 2020-21 सीजन, जिसमें रणजी ट्रॉफी के लिए केवल पुरुषों की राष्ट्रीय चैंपियनशिप और संभवतः सीनियर महिला टूर्नामेंट शामिल है, कोरोना वायरस महामारी के कारण बायो बबल में खेली जाएंगी। इस दौरान केवल उन्हीं शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा जिसमें कम से कम 3 मैदान, पर्याप्त होटल और आपातकाल के लिए अच्छे अस्पताल हो। मैचों के दौरान स्टेडियम में दर्शकों के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जालंधर के 66 फुटी रोड पर स्थित जालंधर हाइट्स 1 से पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये बुकी 18 अक्टूबर की रात किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच चल रहे मैच में सुपर ओवर पर सट्टा लगवा रहे थे। आरोपियों से पुलिस ने एलसीडी, मोबाइल फोन, लैपटॉप और नकदी बरामद की है। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफी मुश्किल रही। टीम के 2 सीनियर खिलाड़ी सुरेश रैना और हरभजन सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया। उसके बाद दल के दर्जन भर सदस्यों को कोरोना की परेशानी का सामना करना पड़ा। मैदान पर भी टीम के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम ने सफर की शुरुआत तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत के साथ की, लेकिन इसके बाद वह पटरी से उतर गई। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच मोहम्मद कैफ ने सोमवार को कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे चरण में उसकी टीम का ध्यान लक्ष्य हासिल करने पर होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने स्कोर का बचाव अच्छी तरह से किया है। दिल्ली ने अब तक 9 मैचों में 7 में जीत दर्ज की है, लेकिन उसमें जो 2 मैच हारे हैं उनमें से एक मैच सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए गंवाया था। भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने एशियाई ऑनलाइन नेशंस कप टीम चैंपियनशिप के प्रारंभिक दौर में 6ठे स्थान के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय टीम के लिए रविवार का दिन मिलाजुला रहा। उसने 1 मुकाबला जीत, 1 ड्रॉ खेला और 1 हारा। टीम अब 23 अक्टूबर को अंतिम 8 चरण में मंगोलिया से खेलेगी। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की देश में खेल गतिविधियां शुरू करने की कोशिशों को झटका लगा है। एएफआई की ओर से एनआईएस पटियाला में पहली बार आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय थ्रो चैंपियनशिप को साई ने मंजूरी नहीं दी है। साई को डर है कि चैंपियनशिप कराने से यहां ओलंपिक की तैयारियों में जुटे खिलाड़ी कोरोना के संक्रमण में आ सकते हैं। दुनिया की नंबर 1 भारतीय निशानेबाज एला वेनिल वलारिवन ने रविवार को शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण और शाहू तुषार माने ने रजत पदक पर निशाना साधा। प्रतियोगिता का आयोजन बांग्लादेश निशानेबाजी खेल महासंघ ने ऑनलाइन किया। इस 60 शॉट की प्रतियोगिता में 6 देशों के निशानेबाजों ने हिस्सा लिया। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमएस टीवी। नमस्कार।